जानकी ने अपने छोटे बेटे राजू की शादी कुछ ही समय पहले की थी। जानकी की बहू कोमल अभी तो नई नवेली थी, लेकिन शादी के 2 से 3 दिनों बाद ही जानकी को पता चलता है कि उसकी बहू को गुड़ वाली चाय पीने की आदत है। अरे राम राम, कैसी चाय बनाई है, वो भी इतनी मीठी। अरे बहू, ये चाय तो गुड़ की चाय है ना? आपको तो पता ही होगा ना माँ जी कि गुड़ की चाय कितनी फायदेमंद होती है। ये वजन कंट्रोल करती है, डायबिटीज बढ़ने नहीं देती, और चीनी की चाय में तो 75 तरह की बीमारियाँ भी होती हैं। कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं की थी ना तूने? इतना ज्यादा ज्ञान कहाँ से ला रही है? ज्ञान तो छोड़, मुझे चीनी वाली चाय ही चाहिए। ये गुड़ वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, और चीनी की चाय से मुझे डायबिटीज हो, या मेरा वजन बढ़ जाए, या मुझे ज्यादा चीनी खाने की वजह से हार्ट अटैक आ जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर आप इतना कह रही है ना, तो मैं आपके लिए चीनी वाली चाय बना देती हूँ, लेकिन मुझे तो चाय गुड़ वाली ही पसंद है। लगता है सही समय पे आई हूँ, अब आई हूँ तो एक कप चाय पिला ही दे। अरे चाय तो मुझे सुबह से अब मिली है ना, जाने बहू को कौन सी चाय पीने की लत है, मुझे गुड़ वाली चाय लाकर दे दी। अरे जहर लग रही थी, जहर। अरे तुझे पता नहीं है गुड़ वाली चाय कितनी अच्छी होती है? मैं माँ जी को वही तो समझा रही थी, लेकिन माँ जी है कि उन्हें चीनी वाली चाय ही पीनी है। कोमल को गुड़ वाली चाय पीने की इतनी आदत थी कि वो काम करते हुए भी चाय ही पीती रहती, लेकिन कोमल की सास जानकी कई बार अपनी बहू को मना कर चुकी थी इतना चाय ना पिया कर, लेकिन कोमल की चाय की लत जा ही नहीं रही थी। एक रोज सुबह सुबह विमलाती है। अरे जानकी जल्दी चल, कांता की सास नहीं रही, जरा शोक सभा में शामिल होके आते हैं, नहीं तो 4 लोग हमें ही कोसेंगे। अरे कब हुआ ये सब, मुझे तो पता ही नहीं चला, बेचारी अच्छी थी। चल कोई बात नहीं, चल चलते हैं और कांता की सास को आखिरी बार देख आते हैं। अरे माँ जी मैं भी चल सकती हूँ क्या? कहते हैं बड़े बुजुर्ग के शोक सभा में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, चल आज तू भी हमारे साथ चल, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाइयो। जानकी और विमला के साथ कोमल भी शोक सभा में शामिल होती है। सभी रोध हो रहे होते हैं, तभी विमला जानकी से कहती है, अरे जानकी देख रही है कांता को, वैसे तो अपनी सास को पूछती नहीं थी, लेकिन अब देख कितने रोने धोने का नाटक कर रही है, नौटंकी कहीं की। एकदम सही कह रही है तू विमला, एक रोज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, घर से निकाल दिया था कांता ने अपनी सास को, और आज देख लोगों के सामने ऐसा रोना धोना लगा रखा है जैसे अपनी सास के बिना मर ही जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है। विमला और जानकी ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ कांता की बहू सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे बहू इसकी क्या जरूरत थी, नहीं नहीं मुझसे चाय नहीं पी जाएगी, तू ले जा इसे। अरे बहू मेहमानों को दे आ चाय, हम तो ठीक हैं। अरे भाभी मुझे तो पूछ लीजिए चाय, वैसे चाय गुड़ वाली है या चीनी वाली? तेरी बहू नौटंकी कर रही है, कह रही है गुड़ वाली चाय है या चीनी वाली, अरे कम दिमाग की औरत है क्या, और इसको लेकर क्यों आई तू? लगता है भूल गई तू, तूने तो इसे कहा, चल बहू चलते हैं। अरे बहू क्या कर रही है, 4 लोग हमें देख रहे हैं, अरे तुझे गुड़ वाली चाय की इतनी लत है तो घर जाकर पी लेना। काकी आप तो जानती है ना कि मुझे चाय कितनी पसंद है, अब मैं चाय के लिए भी मना करूं? ना ना ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ हम मरनी में आए हैं और इसे यहाँ भी चाय चाहिए, कितनी बेशरम औरत है, 4 लोग हमें ही देख रहे हैं, बहू चल मेरे साथ। इतना कहकर जानकी अपनी बहू कोमल को वहाँ से जैसे तैसे घर लेकर जाती है, और घर लाने के बाद उसे खूब सुनाती है। अरे मुझे तो लगा तेरे अंदर दिमाग है, लेकिन तू तो पद दिमाग निकली। अरे माँ जी एक चाय के लिए इतना भी क्या सुना रही हो आप मुझे, मैंने थोड़े ही उनसे कहा था कि मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ, वो तो सबके लिए चाय बना के लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले ही लेती हूँ, क्यों किसी का अपमान करना। अरे बड़े उच्च विचार है तेरे, लेकिन अब इस उच्च विचार को थोड़ा सुधार ले और जाकर काम कर। समय बीत रहा था, लेकिन कोमल के गुड़ की चाय की लत छूटने की जगह बढ़ती जा रही थी, इसे जानकी आए दिन कोमल को टोक दिया करती, लेकिन कोमल पर अपनी सास जानकी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसी एक रोज विमला जानकी उसकी बहू कोमल विमला के बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं। अरे बहन जी कहाँ है, आपकी लड़की बुलाइए। हाँ हाँ बहन जी बस आ ही रही है, तब तक आप कुछ खाइए पिए। नहीं नहीं बहन जी बस बहुत है, ये सब खाने की आदत नहीं है। अरे बेटा तुम तो कुछ लो, तुम तो बस देखे ही जा रही हो। अरे
अरे आंटी जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे। अरे बिल्कुल कहो बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आंटी जी वो क्या है ना, काम करते करते मेरी तो कमर पीठ सब दुख जाती है, और अभी तो इतनी दूर से आए हैं, सिर में भी दर्द हो रहा है, तो क्या थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। अरे बेटा चाय तो सामने ही रखी है, उठाओ और पी लो। अरे आंटी जी एक छोटी सी दिक्कत है, वो क्या है ना, मुझे चाय तो पसंद है लेकिन चीनी वाली नहीं गुड़ वाली पसंद है। अच्छा गुड़ वाली चाय पीने की आदत है, अरे वो तो मेरी भी फेवरेट है, रुको अभी बनवा कर लाती हूँ। इतना कहकर हॉल से उठकर लड़की की माँ कोमल के लिए चाय लेकर आती है। अरे तेरी बहू क्या कर रही है, लगता है मेरे बेटे की शादी नहीं होने देगी। बहू तुझे पता है ना, यहाँ हम लड़की वाले के घर आए हैं, लेकिन तूने तो शर्म लाज सब बेच खाई है, कितनी बार तुझे समझाया है कि ऐसी वैसी हरकतें मत किया कर। कुछ ही देर बाद लड़की की माँ कोमल के लिए गुड़ वाली चाय लेकर आती है और खुद चुस्के लगाकर चाय पीने लगते हैं। अरे मुझे तो बचपन से ही गुड़ वाली चाय पीने की आदत हो गई थी, और तब से मुझे चीनी वाली चाय पसंद ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही आंटी जी मेरे साथ भी, मुझे अच्छी वाली चाय पिए बिना नींद ही नहीं आती, घर का काम नहीं होता। ये लत तो मेरी दादी ने मुझे लगवाई थी, उन्हें गुड़ की चाय पसंद थी ना, तो उनके साथ मैं भी पी लिया करती थी, बस फिर क्या था। बहन जी ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप लड़की को बुलवाइए। हाँ हाँ हमें घर भी तो निकलना है, और घर पास भी तो नहीं है। अब कुछ देर बाद लड़की हॉल में आती है और विमला लड़की से दो चार सवाल करती है। लड़की ठीक ठाक थी, विमला को अपने बेटे के लिए लड़की पसंद आ जाती है। बहन जी हमें लड़की बहुत पसंद है, अब आप एक दो दिन में आकर लड़का देख लीजिए। देखिए बहन जी हमारी लड़की पढ़ी लिखी गुनी है, घर का काम धंधा सब संभाल लेगी और घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा लेगी, लेकिन एक दिक्कत है, इसे भी कोमल बिटिया की तरह गुड़ वाली चाय पीने की लत है। क्या लड़की को भी गुड़ वाली चाय पीने की आदत है? अरे बाप रे, नहीं नहीं मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। अरे विमला क्या कर रही है, लड़की तो इतनी अच्छी बली है, अभी तक तो तुझे पसंद थी, लेकिन अब क्या हुआ? अरे जानकी तू पूछ रही है कि क्या हुआ, तू तो जानती है ना कि मुझे लड़की पसंद है, उसकी आदत नहीं, तू अपनी बहू को देखती है ना, पूरे दिन चाय पीती रहती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। तू ठीक ही कह रही है, ये दुख तो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि कैसे इसे मैं झेल रही हूँ। अरे बहन जी चाय पीने की तो आदत है, इसमें बुराई क्या है? इसे आप देख रही है ना, ये मेरी पड़ोसन जानकी की बहू है, पूरे दिन में 10 कप चाय पी जाती है, और वो भी गुड़ वाली। बिल्कुल सही कह रही है विमला, बहन जी मैं तो इसकी आदतों से परेशान हूँ। देखिए बहन जी आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है, कमी तो गुड़ वाली चाय में है, जिसकी वजह से मेरी पड़ोस बहुत परेशान रहती है, अब मैं उसकी तरह परेशान नहीं रह सकती ना, माफ कीजिए बहन जी हम चलते हैं। इतना कहने के बाद जानकी विमला और कोमल वहाँ से चले जाते हैं, और विमला अपने बेटे के लिए जो लड़की देखने आई थी उसे वो इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसे गुड़ वाली चाय पीने की आदत थी, जो कि जानकी की बहू कोमल को भी थी, और जानकी इससे बहुत परेशान थी क्योंकि कोमल पूरा दिन बस चाय ही पीती रहती। पुनीत अपने काम से घर लौटता है और अपनी माँ सुमित्रा को बुलाता है। माँ मेरे बॉस की शादी है 9 फरवरी को, उन्होंने पूरे परिवार के साथ मुझे बुलाया है, ऑफिस में बॉस के सबसे क्लोज तो मैं ही रहता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ आऊँ। तूने कौन सी तारीख बताई शादी की, जरा दोबारा बताइयो। 9 फरवरी को है माँ, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं आपको। 9 फरवरी 9 फरवरी को तो तेरी बुआ की बेटी की शादी है, और उस दिन ही मौसी के लड़के की भी शादी है। मैं तो पहले ये सोचकर परेशान हो रही थी कि दोनों जगह कैसे जाऊं, और अब तू एक और कार्ड ले आया। माँ मौसी और बुआ को तो हम बाद में समझा सकते हैं ना, लेकिन मेरे बॉस अभी ज्यादा जरूरी है, हम सबको उनकी शादी में जाना चाहिए और हम जाएंगे। अरे तेरे सगी बुआ की लड़की की शादी है और सगी मासी के लड़के की, तू अपने बॉस के आगे अच्छा बनने के चक्कर में अपने ही भाई बहन की शादी में नहीं जाएगा, भूल गया जब ये तेरी शादी में नहीं आ रहे थे और तेरा मुंह बन गया था, दोनों अपने काम की वजह से तेरी शादी में नहीं आ रहे थे, तब तो बड़ा बोल रहा था परिवार ज्यादा जरूरी होता है, अब क्या हुआ? माँ अगर बस मेरा काम होता तो मैं छोड़ के चला जाता, लेकिन यहाँ मेरे बॉस की शादी है, मेरे बॉस मुझे बहुत मानते हैं, अब आप खुद ही बताओ उनकी शादी में मैं नहीं जाऊँगा तो कैसा लगेगा? हे भगवान सबको एक ही दिन शादी करनी थी क्या, किसी एक की भी शादी में नहीं जाएंगे तो बुरा लगना है,
ऊपर से अब इतना खर्च होगा, सबको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा मुझे। दोनों ही बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शादी के कार्ड करीबी लोगों को ही मिले थे। तभी सुमित्रा की बहू निधि चाय लेकर आती है और उन दोनों को देती है। दोनों शांत बैठे थे, ये देखकर निधि को अजीब सा लगता है और वो बोलती है, आप दोनों को क्या हो गया है, इतना शांत क्यों बैठे हो? किसी ने म्यूट बटन दबा दिया है क्या आपका? बहू अब तू ही बता, हम करें तो क्या करें? एक ही दिन में पुनीत की, बुआ की और मौसी की बच्चों की शादी है, ऊपर से उसके बॉस की भी शादी उसी दिन है, और तीनों शादियां ही जरूरी है। अब हम करें तो क्या करें, कहां कहां जाएं? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तीन शादी के कार्ड मिले हैं और हम भी तीन हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक जन एक शादी में चला जाएगा, एक जन एक की में, ऐसे तो हम तीनों शादियों में जा सकते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं बहू, पूरे परिवार को बुलाया है, अब कोई दूर का होता तो चले जाते ना हम में से कोई एक, लेकिन अपनी बहन और ननद के बच्चों की शादी में मेहमानों की तरह कैसे जाए कोई, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। और ऊपर से ये पुनीत भी कह रहा है कि इसके बॉस की शादी में पूरा परिवार को जाना है। ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई माँ जी, अच्छा हुआ कि मेरे किसी सगे की शादी नहीं पड़ी, वरना मैं भी आप लोगों की तरह सोच रही होती कि क्या करूं और किसकी शादी में जाऊं। बहू ये लोग भी तेरे सगे ही हैं, यहाँ जाना भी जरूरी है, और तू इतना खुश मत हो। माँ जी मैं कब मना कर रही हूँ कि ये लोग मेरे सगे नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मेरे मायके से कोई शादी का कार्ड नहीं आया, वरना परेशानी तो तब आती ना। चलो इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं हम। अब इसमें सोचना क्या है माँ, निधि आप दोनों खुद ही बताओ, अगर मैं अपने बॉस की शादी में नहीं गया तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उन्हें? नहीं लगेगा। या फिर मेरा परिवार नहीं जाएगा तो उन्हें तब भी अच्छा नहीं लगेगा, इसका सीधा असर मेरे काम पे पड़ेगा मुझे लगता है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, हमें तो अब और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। माँ जी एक काम करो ना, मौसी जी या बुआ जी से बात करके देखो, अगर कोई मान जाए तो सही रहेगा, अब उन्हें भी तो हमारी परेशानी समझनी चाहिए ना। बहू अगर ये सब बताया ना तो मुसीबत बढ़ जाएगी, मौसी को बताया तो वो कहेंगी अपने ससुराल वाले जरूरी है, बेटे का बॉस जरूरी है, बस मैं ही नहीं, और बुआ को बताया तो वो कहेंगी कि अब तक मायके का मुंह है, बेटे के बॉस की शादी का बहाना है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है दोनों इसी शहर में रहती है, मतलब ना जाने का बहाना कोई काम ही नहीं आएगा। अब तक तो सिर्फ दो ही लोग परेशान थे शादियों के कार्ड को लेकर, लेकिन अब तीन हो जाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। दो चार दिन निकल जाते हैं, तभी निधि को उसकी भाई की शादी के बारे में पता चलता है और वो भी सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। सुमित्रा जब अपनी बहू को परेशान देखती है तो बोलती है, बहू क्या हुआ, तू सर पर हाथ रखकर क्यों बैठी है, तुझे कौन सी आफत हो गई? माँ जी मेरे भाई ने भागकर शादी कर ली, अभी मुझे मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। चलो शुक्र है भगवान का, किसी में तो अक्ल है, वरना तो लोग शादी का कार्ड नहीं देते, बल्कि डराते हुए कहते हैं कि शादी में तो जरूर आना है आपको, बच गए, वरना तो हमें तेरे भाई की शादी में भी जाना पड़ जाता। वैसे तेरे मायके वाले भी जरूरी थोड़े है जो इसी तारीख पे शादी रखे। माँ जी असली बात तो ये है कि मेरे भाई ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया है, और मेरी माँ ने भी अपनी बहू को अपना लिया है, इसलिए अब वो धूमधाम से रिसेप्शन पार्टी कर रहे हैं जिसमें हम सबको जाना है, और वो रिसेप्शन भी तो 9 तारीख को ही है, पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए अब कोई और तारीख को भी हो नहीं सकता है, मैंने बहुत मनाने की कोशिश कर ली। लो हो गया बेड़ा गर्क, बहू हंस रही थी ना तू कि मेरे सगे वालों के यहाँ से तो कार्ड नहीं आया, ले अब इसकी ही कमी थी, अब यहाँ से भी कार्ड आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। वही तो माँ जी, एक लौता भाई है मेरा और मैं उसके ही रिसेप्शन पे नहीं जाऊंगी तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, और चार लोग जो बातें बनाएंगे ना वो अलग है, अब तो हद ही हो रही है, एक ही दिन में चार शादियाँ। अक्सर शादी के नाम पर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सुमित्रा के परिवार परेशानी में आ गया था और परेशानी का कोई हल भी नहीं दिख रहा था। संडे के दिन सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी पुनीत कहता है, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, मन करता है ना किसी की शादी में ना जाऊं। अरे हद होती है यार,
सालों साल तो शादी का कार्ड मिलता नहीं है, और अब शादी का कार्ड आया तो एक साथ चार चार आए। अब तो ये समझ नहीं आता कि शादी में जाए किसकी। इसकी में गए तो बाकी दुखी होंगे, बाकी में गए तो ये दुखी होंगे, और किसी एक में गए तो सारे दुखी होंगे। अरे यार क्या करे, अगर नहीं गए तो ये सब और ज्यादा दुखी होंगे। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। किसी को बुरा ना लग जाए इस बात की टेंशन हो रही है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, भाई की शादी हो गई है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं या गम। अरे रिसेप्शन की पार्टी अगर एक दिन बाद रख लेते तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाता। 9 फरवरी को ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त हो चुका है जो हर किसी को इसी दिन शादी करना है। सब काम यही दिन करेंगे ये लोग। अरे निधि एक काम करते, हम भी शादी करते दोबारा और सबको कार्ड दे देंगे और फिर बोलेंगे सब परिवार के साथ आना। तब सब बोलेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे। तब पता चलेगा उन सबको हमारा क्या दुख है, हम पे क्या बीत रही है। अब तू क्यों गुस्सा कर रहा है? सब दूसरे को जानते थोड़े ना थे, उन्हें क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। अब गुस्सा करने की वजह सोच कि क्या करना है आगे। माँ आप ही बताओ आगे करना क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ सुमित्रा की पड़ोसन विमला शादी का कार्ड लेकर आती है और सुमित्रा को देते हुए कहती है, अरे सुमित्रा मेरी बेटी की शादी है, तूने मेरी बेटी को गोद में खिलाया है तो तू और तेरा पूरा परिवार उसकी शादी में जरूर आना। उसने मुझे बोला है कि सुमित्रा आंटी अपने पूरे परिवार के साथ आए। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी बेटी के लिए। हम सब जरूर आएंगे तेरी बेटी की शादी में। वैसे कब शादी है तेरी बेटी की? 9 फरवरी को। क्या 9 फरवरी को? नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे, पहले ही 4 शादियों के कार्ड में फंसे हैं। कहाँ जाएं? पुनीत की बुआ और मौसी के बच्चों की शादी उसी दिन है, बहू के भाई पुनीत के बॉस सबकी एक ही दिन शादी है। मैं जब शादी का हॉल देखने गई थी तो वहाँ पुनीत की बुआ भी आई थी। मेरे हॉल बुक करने से पहले उन्होंने कर लिया था, इसीलिए मैं साथ में जो दूसरा हॉल है वहाँ गई थी। अरे हाँ माची मेरे भाई का रिसेप्शन तो दिन में है। तब सारे लोग कार्ड देखते हैं और सारी शादियाँ आसपास के हॉल में ही थी। तब जाकर सबकी जान में जान आती है और एक दिन में 5 शादियाँ अटेंड करते हैं। रामगढ़ गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामगढ़ गांव के लोग बहुत अच्छे थे, सभी वहाँ एक दूसरे की मदद किया करते। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था, तभी वहाँ उसे उनकी पड़ोसन सुनीता रोक कर बोलती है, अरे सुरेश भैया सुनिए ना, वो मेरे खेत में कुछ काम है, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे खेत में काम कर देंगे? मैं आपको आपका मेहताना दे दूंगी, कितना बनेगा आप मुझे बता देना। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, आप मेरी पड़ोसन हो और मैं आपको बहन जैसा मानता हूँ, तो बहन के साथ कैसा हिसाब किताब, जो आपका मन हो उतना दे देना। बस आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही आपके खेत का काम कर दूंगा। ठीक है भैया। भैया आज मेरे घर में कुछ नया बनाया है, आप घर पहुंचिए, मैं लेकर आती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या बात करती हो सुनीता बहन, मुझे तो आपके हाथ के बनाए सभी चीज पसंद आती हैं, भले वो कुछ भी हो। अरे नहीं भैया आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मेरी बहन ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, एक बार चक्कर देखिएगा कैसा लगता है। अरे वाह तब तो मैं जरूर खाऊंगा और देखता हूँ कि आपसे भी अच्छा खाना कौन बनाती है। ठीक है फिर बताना कौन अच्छा खाना बनाता है, जब तक मैं खाना लेकर आती हूँ तब तक आप नहा लो। सुरेश अपने घर जाकर फ्रेश होता है, तभी सुनीता और उसकी बहन सुरेश के लिए खाना लेकर आती है और सुरेश खाते हुए बोलता है, अरे बाजी वाह क्या छोले पूरी बनाया है, मजा ही आ गया खाकर। सही में सुनीता बहन मैंने छोले पूरी बहुत खाए हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही मजेदार है। अरे वाह भैया क्या बात है, कल तक तो आप मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ किए थकते नहीं थे और आज वाह क्या बात है। अरे नहीं नहीं सुनीता बहन, एक ही चीज की तारीफ की है आपके हाथ के बने खाने की, उसकी तो बात ही अलग है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे ये कौन है? हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, ये मेरे चाचा की बेटी है। सुनीता अपनी बहन माधुरी के बारे में बता ही रही थी कि तभी माधुरी सुनीता की बात को काटते हुए बोलती है, मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मेरा नाम माधुरी है,
वैसे मैं रहने वाली तो शहर की हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपकी सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपको सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बनाना आता है तो क्यों ना आप मुझे भी खाना बनाना सिखा दें? क्यों, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको तो आपकी सुनीता बहन खाना बनाकर दे ही देती है। हाँ पता है मुझे, तभी तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी मैं इनको खाना बनाकर खिलाऊं, लेकिन मेरे हाथ का बना खाना इतना भी अच्छा नहीं होता कि कोई खा सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको जरूर खाना बनाना सिखाऊंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे भी खिलाना, ताकि मैं भी बोल सकूं कि हाँ सही बना भी है या नहीं। अरे आप तो मेरी अध्यापिका होंगी ना, आपके ही ना बोलने पर मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा ना। बस बस बहुत हुआ, अब कल से ही हम खाना बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? माधुरी अब सुरेश को खाना बनाना सिखाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुरेश खाना बनाना सीख लेता है। एक शाम सुरेश सुनीता और माधुरी को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाता है और दोनों खाना खाते हुए सुरेश को कहती, वाह क्या खाना बनाया है। सच बोल रहे हो ना, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो अगर ये मजाक है तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूँगा। मेरी बात का भरोसा करो, सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सुरेश भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। छोले तो कमाल के बनाए हैं आपने। पहली बार मैं बोलना चाहूँगी कि माधुरी के हाथ के छोले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। हाँ मैं भी सुनीता दीदी की बातों से सहमत हूँ, सच में आपने छोले पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अगर ऐसा ही है तो आप शहर जाकर भी अपना छोले पूरी का व्यापार कर सकते हैं। अरे शहर जाकर मैं क्या करूँगा ना, वैसे भी वहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, ना ही किसी को पहचानता हूँ, और मैं कैसे दुकान खोल लूँ? मैं आपकी मदद करूँगी, आप बस अपना छोले पूरी लेकर आ जाना। ऐसे कैसे ले जाऊँ, जब तक मैं शहर पहुँचूंगा तब तक खराब नहीं हो जाएगी क्या? आप भी ना कैसी बातें करते हो। हे भगवान, क्या करूँ इस छोले पूरी वाले का। देखो सुरेश जी, आप अपना छोले पूरी ट्रेन में बेचते हुए चले आना, खराब नहीं होगी, अब ठीक है? अरे वाह क्या दिमाग लगाया है, काम करते हुए मैं शहर पहुँच जाऊंगा, पैसे भी होंगे और शहर भी पहुँच जाऊंगा। उफ हे भगवान, क्या बेवकूफ है ये। सुरेश की बात सुनकर सुनीता और माधुरी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश दिल्ली पहुंचता है और माधुरी उसकी मदद के लिए एक छोले पूरी की छोटी सी दुकान खोल देती है। ऐसे ही एक दिन सुरेश माधुरी से बोलता है, माधुरी बहन मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ आखिर क्यों किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और बस आप हमारे भाई हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे माधुरी बहन कितना करोगी आप मेरे लिए, पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आप दो बहनें मेरी जिंदगी में आईं। अब बस करो और देखो ग्राहक आ रहा है, अब आप अपने आंसू पोंछ लो, मैं नहीं चाहती आपको कोई रोने वाला दुकानदार कहे। दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और दोनों अपने आंसू पोंछ लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है, अरे भैया ये छोले पूरी देना, और ये गरम तो है ना? अरे भाई साहब आपके सामने ही तो पूरी तल कर देंगे गर्मा गर्म, देखना एक बार सुरेश के हाथ के छोले पूरी खाकर तो देखिएगा, आप दोबारा फिर से खाने के लिए यहीं पर आएंगे। हाँ अगर अच्छा हुआ तो मैं रोज आकर खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, और मेरा ऑफिस ना यहीं पास में है, और सच कहूँ मुझे ये सस्ता लगा इसलिए मैं यहाँ आ गया, सोचा अगर सही लगा तो हमेशा यहीं खाऊंगा। अरे भैया बहुत सस्ता है हमारी दुकान का छोले पूरी, वैसे भी एक बार खाकर तो देखो तब बताना कैसा लगा, और कीमत बिल्कुल वैसी जैसा आप चाहो। अगर ऐसा है ना तो मैं अपने ऑफिस के कुछ और लड़कों को भी लेकर आऊंगा, वो लोग भी कहते रहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना खाना है, लेकिन उन्हें भी कहीं सस्ते में खाना नहीं मिल पाता वो भी अच्छा, इसलिए मैं उन्हें बताऊंगा कि आप सबसे अच्छा और मस्त खाना बनाते हो और गर्मा गर्म देते हो, तो वो लोग भी आपके यहाँ आएंगे खाने। इतना बोलकर वो लड़का छोले पूरी खाने लगता है और तारीफ करता है। सुरेश के बनाए छोले पूरी ऐसे ही दिन में बहुत ज्यादा बिक जाया करते। दिन गुजरते हैं
अब सुरेश के बनाए छोले पूरी पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते। तभी वहाँ एक फूड ब्लॉगर आती है और सुरेश को कहती है, नमस्ते अंकल जी, मैंने सुना है आपकी दुकान के छोले पूरी बहुत फेमस है, क्या ये सच है? देखो बेटी, सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, लोगों को मेरा बनाया छोले पूरी बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो खाते हैं, बस इतनी सी बात है। और मैं उन सबको अपने पूरे दिल से खिलाता हूँ, शायद इसीलिए सबको मेरी दुकान का छोले पूरी बहुत पसंद आता है। अंकल जी, मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपकी बनाई गई छोले पूरी की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं और आपकी दुकान को फेमस कर दूं। अरे नहीं बेटी, मुझे फेमस नहीं होना है, मैं जैसा हूँ जितना हूँ उतना ही ठीक हूँ, मैं कम कमाता हूँ लेकिन खुश रहता हूँ, वैसे भी ज्यादा पैसे कमा कर क्या ही कर लूंगा, ना तो मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे हैं, बस दो बहनें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अंकल जी, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो, मैं आपको एक और मौका देती हूँ, आप बना लो वीडियो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं, आपको खाना है तो खाओ लेकिन वीडियो बनाने को मत कहो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे ये सब बातें छोड़ो और रुको, तुम्हें मैं गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता हूँ। सुरेश आरती को गर्मा गर्म पूरी तल कर छोलों के साथ देता है, जिसे खाकर आरती सुरेश की बहुत तारीफ करती है और सुरेश का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता सुरेश को फोन पर बोलती है, सुरेश भैया क्या बात है, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, क्या जादू किया है लोगों पर? क्या बात कर रही हो सुनीता बहन, अगर मुझे फेमस होना ही होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन अब क्या हो गया मुझे भी तो बात बता दीजिए। क्यों, आपने अभी तक न्यूज नहीं देखा क्या? एक लड़की है जो अपने वीडियो में आपकी बनाई छोले पूरी की बात कर रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान का छोले पूरी है। तभी उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ हो जाती है, ये देखकर माधुरी भी मदद करने आती और सुरेश सबको गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता है।